दुनिया वालों ने कहा है क्या बैठे बहुत सुंदर सा गीत आया है कौन सा बेटे और कहा फिल्मी दुनिया वालों ने क्या क्या कहा बेटा फिल्मी दुनिया वालों ने के आवाज हमारी शत्रु हमारा शत्रु हमारा अब हाथ मलेगा निवेदन कर रही हूं खाली लाइन सुनिएगा कि ये शत्रु हमारा अब हाथ मलेगा और ये तीर हमारा तो तन के चलेगा कि ये तीर हमारा अब तन के चलेगा और नहीं लगेगा कहीं ठिकाना जब तीर चलेगा तो उस शत्रु का कहीं ठिकाना नहीं लगेगा इसलिए कह रही हूं बहन जी कि ये तीर हमारा अब तन के चलेगा नहीं लगेगा कहीं ठिकाना क्यों कि थोड़ी बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी की तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है भाई वाह बस बात इतनी है कि थोड़ी सी निशानी है थोड़ा सा निशान
चोच मारी, आप लोगों को कथानक मालूम होगा, जैसे ही चोच मार के वो भागा तो हुआ क्या बहन जी, भगवान ने देखे किया क्या, केसर राम ने मारा है वो चारों ओर भागा और कोई ना बचा पाया, मूरख बना अभागा। जब वो चारों ओर वो जयंत्र भागा तो उसको चारों ओर ठिकाना नहीं मिला तो हुआ क्या, के आ क्षमा दान मांगा, रोने लगा है कागा। और जब ऐसा किया मगर उससे पहले कुछ हो चुका है, के आ क्षमा दान मांगा, रोने लगा है कागा और एक आंख का हो गया काला। भगवान ने मारा तो उसकी एक लालटेन चली गई, तो कहना पड़ा कि एक आंख का हो गया काना। और ये हमारे ललो भैया, ललो सेठ सरेनी बाजार, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है। भैया को प्रणाम है, बार बार धन्यवाद है। कहने को हम कह सकते हैं कि निशानी बड़ी है और निशाना भी बड़ा है, मगर अगर देखा जाए तो वो थोड़ी सी निशानी है और थोड़ा सा निशाना, इसलिए कि थोड़ी सी निशानी है थोड़ा सा निशाना। और इसी गीत पर सम्मानी बड़े भैया मुन्नू तिवारी जी, सरेनी बाजार आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। और देवेश साहू प्रधान लखनापुर आपकी ओर से, हमारे प्रधान जी की ओर से ये 201 रुपए का आशीर्वाद, एक बार तालियां चाहूंगी हमारे प्रधान जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत मेरी ओर से, क्या बात है। और शशि शंकर वाजपेयी जी आपकी ओर से भी थोड़ी सी निशानी और थोड़ा सा निशाना, इस बात पर 101 रुपए का आशीर्वाद मिला है, 501 रुपए का आशीर्वाद और एक भैया दे गए मुझे, मैं बार बार प्रणाम कर रही हूँ, धन्यवाद है, आशीर्वाद चाहूंगी, आइए कहना है। और समझ जाएंगे, आपको प्रसंग बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी बहन काफी समय से कीर्तन में है, कीर्तन इसलिए सब समझना आपको अपने आप ही मालूम है, सब समझ जाएंगे आप, बताना नहीं पड़ेगा, सुनिएगा। और कहां पर मिल रहा है के ऊपर तो वो मछली है, yeah।
भैया लोग भी समझ जाएंगे, सुनिए। के ऊपर तो वो मछली है पर शर्त है नीचे नजर लगाना, और एक शर्त और है कि नहीं है देखना उसको ऊपर लगे निशाना। शर्त इतनी है कि देखना नहीं है पर निशाना सही लगना चाहिए। तो मेरी बात कह रही है, कहने लगे कन्हैया, कन्हैया कहने लगे है माधो, कहने लगे है माधो तुम पार्थ लक्ष्य साधो। ये कहने लगे है माधो तुम पार्थ लक्ष्य साधो और एक आंख का भेद दिखाना, के एक आंख को भेद दिखाना। भारी भरकम आशीर्वाद दिया है, एक बार तालियां हो जाए, सम्मान में जरूर आप लोग तालियां बजाएं। कंजूसी ना करिए, लगता है जब कोई आशीर्वाद देता है तो हम लोगों में उत्साह जागृत होता है। बिल्कुल बेटा, भाई साहब को धन्यवाद है, आशीर्वाद चाहूंगा। और ये सम्मानी रमेश इलेक्ट्रिकल लालगंज रोड सरेनी आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है, भैया को प्रणाम है, नमन कर रही हूँ। बात है। और वर्मा जी लखन के सामने, सब आसे ही पास सामने वाले हैं, और बस माता रानी से यही कहूंगी कि ऐसे ही आप लोग आमने सामने रहे। आपने हमारे सोनू संकी को 51 रुपए का आशीर्वाद दिया है, सोनू बेटा रखना ऊपर वाली जेब। और ये बौछार हो रही है लगातार हमारे सम्मानी बड़े भैया धर्मपाल सिंह जी हथनासा से आप उपस्थित हैं, आपकी ओर से एक बार फिर से 501 रुपए का आशीर्वाद, एक बार फिर चार तालियां चाहूं भैया, जोरदार तालियां। आप ऐसे ही देते रहे, माता रानी आपका भंडार भरा रखे, बस यही चाहती हूँ। बार बार आपको प्रणाम कर रही हूँ, स्वस्थ रहे व्यस्त रहे ऐसे ही, धन्यवाद है। बिल्कुल बेटा। और सम्मानी बड़े भैया सुनील साहू जी लखनापुर आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, कहना। तो कहने लगे है माधो अरे तुम पार्थ लक्ष्य साधो और एक आंख को भेद दिखाना, सरेनी आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है, भैया को प्रणाम कर रही हूँ। माता रानी सदा अंग संग रहे, अंतिम टुकड़ा सुनिए, गीत को छोटा कर रही हूँ, निशानियां तमाम मिल जाएंगी पर मैं गीत को छोटा कर रही हूँ, कहना। एक जगह और मिल रही है जहाँ तक मुझको मिला है, कहना है। के था पृथ्वीराज ने तो बेटा
क्या बात है। हमको लग रहा है ठंडक भी धीरे धीरे भाग जाएगी। हमारे मोनू भैया की ओर से, जो हमारे भतीजे हैं, आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे सोनू सर की को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये ले, सोनू गर्म होने लगा। सुनिएगा, आज इसकी बड़ी यहीं पे है। निवेदन कर रही हूँ आप लोगों से, अंतिम टुकड़ा सुनिएगा मेरे गीत का, क्योंकि पहले चक्र में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। कहना है जब सर चला तो बहन जी के सुल्तान गिरा नीचे, मन उसका घबराया। जैसे ही सर चला तो वो सुल्तान नीचे गिर गया, तो कहना पड़ा था वीर लाखों में वो पृथ्वीराज चौहान जिसका नाम है, जिसको आप सभी लोग जानते हैं। तो कहना पड़ा के था पीर वो लाखों में लगा पान है आंखों में। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा इसलिए कह रही हूँ के था पीर वो लाखों में लगा पान है आंखों में, अमर देख के मन हर साना। और वहां भी के थोड़ी सी निशानी है, थोड़ा गीत हो गया। चक्र भी आपने सुना है सम्मानिया रोशनी जी के माध्यम से। कलाकार से जितना प्रयास होता है वो करता है मंच पर, आपने भी अच्छा प्रयास किया है। हमने कहा आप आ गए हैं, बाहर आ गई है, तो जवाब में आपने भेज दिया आप जा रहे हैं तो बाहर जा रही है। अपना ना कभी बढ़िया जवाब है, बढ़िया। हालांकि रोशनी जी जवाब में कोई कमी नहीं है, आपने अपने हिसाब से सोच कर लिखवाया है। लिखने वाले हमारे शिवानंद भैया ने मेहनत भी की है। और क्या, लेकिन जब मेरे गीत में भगवान श्री राम रावण को मार कर आ गए और भरत जी कह रहे हैं कि भैया आप अयोध्या में फिर से जब आप आ गए हैं तो बाहर आ गई हैं, तो फिर आपको वापस लंका की तरफ नहीं भेजना चाहिए। नहीं भेजना चाहिए। जब मेरे गीत में राम आ ही गए तो आप जवाब में फिर वापस भेजे दे रही है, लग रहा है यही सब करते रहेंगे, जाओ आओ जाओ आओ। लगता 28 वर्ष का हो जाएगा वो। फिर भी प्रयास अच्छा है। अच्छा, इतना ही हो सकता है और क्या जवाब, बस थोड़ा सा मेरे मन में था तो मैंने कह दिया, कह दिया। और आपने कहा कि ये लोग जब जाएंगे तो हम कहेंगे आप जा रहे हैं, बाहर जा रही है। अभी तो कोई जा ही नहीं रहा, अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है। हम लोग जाने नहीं देंगे। देख लो बेटा, देख लो। हेलो, ये ढोलक वाला माइक देखे, ये देखिए, ये आइए। आपका एक बड़ा अच्छा गीत, बहुत अच्छा गीत आपने दिया है, मैं प्रयास कर रही हूँ। और क्या, और मुझसे भी जितना प्रयास हो जाए स्वीकार करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज के दौर में शहर में आजकल चोरों का ही दरबार चलता है। बाबूजी, आज का दौर कैसा है, सच्चाई कहने में लोग गुरेज करते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि शहर में आजकल चोरों का ही दरबार चलता है। कहां
खुददार चलता है और शहर की आबरू रहती है जिस थाने के हाथों में, शहर की आबरू रहती है जिस थाने के हाथों में, उसी थाने के पीछे जिस्म का व्यापार चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, ये आज की सच्चाई है। सीटी नहीं बंद करोगे? अच्छे बच्चे सीटी नहीं बजाते, आजकल मोबाइल बजाते हैं। हेलो, बहुत बढ़िया बोल रहा है, एक बार सेट कर दीजिए। देखिए अच्छे अच्छे ऑपरेटर की पहचान होती है बार बार किर पिर चौंक होना हो, ये एक बार सेट हो जाए बस बैठ जाए। हेलो हेलो, बढ़िया बोल रहा है। ये नहीं कह रहे खूब आवाज बढ़ाइए, ठीक है। गीत कह रहा आपका क्या? कि आवाज हमारी बढ़िया गीत है। थोड़ी निशानी और थोड़ा निशाना, भगवान श्री राम ने उस कौए के लिए अपने तिनके का बाण छोड़ दिया, उस कौए की आंख में निशाना लगा जाकर तो कहीं निशानी, थोड़ी निशानी थोड़ा निशाना। हालांकि यहाँ थोड़ा नहीं है, अगर वो तीर जरा सा जाकर लगकर वापस किनारे हो लेता तब तो थोड़ा था, वो तो तीर तो पूरा जा रहा है। और क्या, लेकिन अच्छा है गीत आपका, थोड़ा निशाना थोड़ी निशानी थोड़ा निशाना। प्रयास कर रही हूँ कि जहाँ से जगह मिल जाए वहाँ से निशानी निशाना आ जाए, और जो भी निशानी निशाना आपसे छूट गया मैं वही लाने का प्रयास कर रही हूँ। निशानी निशाने बहुत हैं, लेकिन जरा देखिए प्रयास कर रही हूँ रोशनी जी। गुरु ने धनु और बाण थमा कर एक बार और, अर्जुन के गुरु का नाम है द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बाण दिया और आदेश दिया कि अर्जुन और करना क्या है,
एक जगह आपने निशाना बताया मछली की आंख में, एक जगह निशाना और मैं बता रही हूँ, देखिए। गुरु ने के गुरु ने धनु और बाण थमा कर वृक्ष की ओर दिखाया, तो काठ की एक चिड़िया है गुरु ने उन्हें बताया। काठ की एक चिड़िया, लकड़ी की चिड़िया, के गुरु ने धनु और बाण थमा कर वृक्ष की ओर दिखाया, काठ की एक चिड़िया है गुरु ने उन्हें बताया। तो मिला क्या ये अवसर आया, गुरु का आदेश अर्जुन ने माना और किया क्या, ये अवसर आया धनुष पार्थ ने उठाया, ये अवसर आया धनुष पार्थ ने उठाया के अर्जुन ने तीर है ताना, ये अवसर आया धनुष पार्थ ने उठाया के अर्जुन ने तीर है ताना, और जब तीर चलाया तो कहा है जहां पे निशानी तो लगे वहां पे निशानी, रोशनी जी आपके गीत में भी थोड़ी सी थोड़ा सा चल रहा है, तो यहाँ जहाँ निशानी है वही निशाना लग रहा है, वही लगेगा निशाना, वही लगेगा। ये अवसर आया धनुष पार्थ ने उठाया, अर्जुन ने तीर है ताना, है जहाँ पे निशानी लगा है वही पे निशानी। दुर्योधन की पुत्री का नाम था लक्ष्मणा, लक्ष्मणा दुर्योधन ने एक शर्त रखी, एक खंबा है, खंबे पर एक चक्री है, चक्री के ऊपर भी एक चक्री है और उसके ऊपर एक मछली है, चक्री पर चक्री, चक्री पर चक्री, उसके ऊपर मछली, और उसकी आंख में निशाना लगाना है, लेकिन मैंने सोचा कि आपने मछली ले लिया है तो मैं चिड़िया को लाकर बता दूं। ये बात क्या बात, वहां पर भी निशाना लगाया गया सांप के कहने पर, देखिए बलराम जी के कहने पर राजा सांप ने वो बाण चलाया और पुत्री से विवाह हुआ, लेकिन मैं उस निशाने को ले नहीं ले रही हूँ, निशाने और भी मिलेंगे आपको, निशाने और मिलेंगे जयद्रथ के लिए, ये प्रण था कि जो भी जयद्रथ पर बाण चलाएगा अगर जयद्रथ का सर धरती पर गिरा तो सर काटने वाले के 100 टुकड़े हो जाएंगे। भगवान ने ऐसा इशारा किया, अर्जुन से कहा बाण चलाना, लेकिन ऐसा चलाना कि वो सर धरती पर ना गिरे, उसके पिता की गोद में गिरे, और जयद्रथ के पिता की गोद में वो जयद्रथ का सर गिरा और पिता पुत्र दोनों के 100 टुकड़े हो गए, तो वहां भी निशाना ला सकती थी, लेकिन जरा देखिए और कहां निशाना मिल रहा है। ये अवसर आया धनुष पार्थ ने उठाया, और जब है तीर को ताना, तो जहां पे निशानी लगा है वही कि और एक जगह मिल जाए। बड़े किशन सो रहे वृक्ष के नीचे, ये
एक वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। कैसे? किशन सो रहे वृक्ष के नीचे, ग्रंथों ने है बखाना, और पदम चमकता बधिक ने देखा, उसको नयन है जाना। एक पहलिए को लगा ये हिरण की आंख चमक रही है, उस बधिक को लगा और उसने अपना निशाना साधा। भगवान कन्हैया के पैरों में पद्म चमक रहा है और वो तीर जाकर भगवान कन्हैया को लगा, भगवान कृष्ण के भी प्राण निकल गए। प्राण निकल गए और यहाँ भी देखे निशानी और निशाना चल रहा है। सभा बेटे शाबाश। वो पद्म जो है वो निशान है और वो निशानी है और वो निशाना लग रहा है वहीं पर। किशन सो रहे वृक्ष के नीचे, ग्रंथों ने है बखाना, पद्म चमकता बधिक ने देखा, उसको नयन है जाना। तो उस बधिक ने के सर को उठाया, शर्मा ने बाण के सर को उठाया, निशाना लगाया, सर को उठाया निशाना लगाया, पड़ा किशन को प्राण गवाना, पड़ा किशन को प्राण गवाना। वहां भी मिला के है जहां पे निशानी लगा है वहीं पे निशानी। बरबरीक से बढ़िया निशाना कोई मिल ही नहीं सकता। बरबरीक भगवान कन्हैया ने जब ये जान लिया कि बरबरीक में इतनी शक्ति है, अगर बरबरीक चाह लेगा तो एक बाण से पूरी महाभारत को जीत सकता है। भगवान कन्हैया ने कहा कि बरबरीक अगर तुम में शक्ति है तो इस पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं अगर ये एक साथ भेद दिए जाएं। इधर पुरस्कार बोल देंगे भैया का, थोड़ा सा जवाब हो जाने दीजिए। एक एक ही बाण बरबरीक में चलाया और पीपल के जितने पत्ते हैं एक ही बाण से सब भेदते हुए चले जा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने चालाकी की, एक पीपल का पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बरबरीक तो बरबरीक है, वो तीर सब जगह चल कर आया और भगवान कृष्ण के पैर के आस पास घूमने लगा। और जब घूमने लगा तो बरबरीक ने कहा, बरबरीक मन में डोला तब ऐसे है बोला, जरा अपने पग को हटाना। एक कन्हैया अभी एक बाकी है, जरा अपने पग को हटाना, तो जहां पे निशानी लगा है वही। आपको सुना रही हूँ, यह पढ़ाई लिखाई बता दे बेटे। और चाह रही हूँ कुछ निशानी निशाने आपने ले लिए, कुछ निशानी निशाने हम ले लें और आपका हमारा गीत सब पूरा हो जाए। पूरा हो जाए कैसे? उड़ा दिया सर गौरी का, पुरस्कार जो भी हमारे भैया लोग अपना स्नेह दे रहे हैं दोनों तरफ, सोच रहे हो गीत के अंत में बोला जाए ताकि गीत का जायका भी खराब ना हो, आपका टेस्ट बरकरार रहे और ये कैसेट जो बन रही है ये भी बनी रहे बढ़िया। सुनिए इस प्रसंग को भी बच्चा बच्चा जानता है, हमारी माताएं बहनें भी जानती हैं।
मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा शत्रु, हर बार हार जाया करता है, लेकिन जिस समय पृथ्वीराज को बंधक बना पाया तो उसको लगा मेरी जीत हो गई। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुलवा दी उसने शराखों से। आपने गाया जरूर है इस प्रसंग को रोशनी जी, लेकिन मैं इसके आगे की बात आपको बता रही हूं। आगे की कैसे कैसे के उड़ा दिया सर गौरी का, पुकारा पृथ्वीराज चौहान ने मित्र चंद्र बरदाई को पुकारा। सुनकर वचन चंद्र ने खंजर सीने में तभी उतारा, सुनकर वचन चंद्र ने चंद्र बरदाई ने वो जो खंजर है सीने में उतार दिया। दरबार ने निहारा, पृथ्वीराज चौहान के सीने में खंजर उतार दिया और इतनी शक्ति थी चंद्र बरदाई में और पृथ्वीराज चौहान में। पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि मैं अगर इसको बिना देखे मार दूंगा तो बस इतना कर देना चंद्र बरदाई कि तुम तुरंत ही मेरी गर्दन काट देना, और मेरी गर्दन कटने के बाद भी देखिए वो युद्ध लड़ रहे हैं, शरीर उनका युद्ध लड़ रहा है, कैसा कैसी निशानी कैसा निशाना और कैसा शरीर रहा होगा। तो दरबार ने निहारा, हुआ काम बड़ा न्यारा, खंजर पृथ्वी का चलाना, तो वहां भी के दिखती ना निशानी सही लगता है निशानी।